आने वाले 25 साल के लिए हमें उस पंच प्राण पर अपनी शक्ति को केंद्रित करनी होगी, अपने संकल्पों को केंद्रित करना होगा, अपने सामर्थ्य को केंद्रित करना होगा और हमें उन पंच प्राण को लेकर के 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, आजादी के दीवानों के सारे सपने पूरे करने का जिम्मा उठा करके चलना होगा। जब मैं पंच प्राण की बात करता हूं तो पहला प्राण अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा, बहुत बड़े संकल्प लेकर के चलना होगा और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। अब उससे कुछ कम नहीं होना चाहिए। बड़ा संकल्प, दूसरा प्राण है किसी भी कोने में हमारे मन के भीतर, हमारे आदतों के भीतर गुलामी का एक भी अंश अगर भी अभी भी है तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना। अब शत प्रतिशत सैकड़ों साल की गुलामी ने जहां हमें जकड़ कर रखा है, हमारे मनोभाव को बांध करके रखा हुआ है, हमारी सोच में विकृतियां पैदा करके रखी है, हमें गुलामी की छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। ये हमारा दूसरी प्राण शक्ति है। तीसरी प्राण शक्ति, हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए, हमारी विरासत के प्रति, क्योंकि यही विरासत है जिसने कभी भारत को स्वर्णिम काल दिया था और यही विरासत है जो समय को अनुकूल परिवर्तन करने की आदत रखती है, यही विरासत है जो काल बाह्य छोड़ती रही है, नित्य नूतन स्वीकारती रही है और इसलिए इस विरासत के प्रति हमें गर्व होना चाहिए। चौथा प्राण वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है और वो है एकता और एकजुटता। 130 करोड़ देशवासियों में एकता, न कोई अपना न कोई पराया, एकता की ताकत एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपनों के लिए हमारा चौथा प्राण है। और पांचवा प्राण है नागरिकों का कर्तव्य, जिसमें प्रधानमंत्री भी बाहर नहीं होता है, मुख्यमंत्री भी बाहर नहीं होता है, वो भी नागरिक है। नागरिकों का कर्तव्य, ये हमारे आने वाली 25 साल के सपनों को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ी प्राण शक्ति है।